एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 ऑफ डिजिटल एसईटी क्रैश कोर्स। टुडे वी आर स्टार्टिंग एलजेब्रा एंड इन लास्ट टू लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट फंडामेंटल ऑफ मैथ्स एंड जो डिजिटल एसईटी की मैथ्स होती है उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक मैथ्स होती है जो वो हमने कवर कर लिए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सेक्शंस। सो यहां पे चार सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो है एलजेब्रा। एलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 35% वेटेज रखता है आपके डिजिटल एसईटी मैथ का। एंड अगर देखा जाए क्वेश्चंस, सो 13 से लेके 15 क्वेश्चंस आते हैं पर मॉड्यूल, आपका 7 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। सो एलजेब्रा के अंदर हम बेसिकली ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, विच इज फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देन टू वेरिएबल्स, देन फैक्टर्स, देन लीनियर फंक्शंस, देन सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, then linear inequalities in one or two variables, okay? So don't worry, I will clear everything. And अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही स्लो हूँ, थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ या फिर बिल्कुल डिटेल में, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो लेक्चर की 1.7 या 1.5। सो एलजेब्रा के अंदर आपको करना क्या है? सो इन एलजेब्रा वी विल कवर मैनी मैनी टॉपिक्स, बट आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे कैसे एनालाइज करना है, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू क्रिएट लीनियर इक्वेशंस and inequalities, then fluently solve, how to solve questions fluently or fast, then solve system of equations, हम system of equations को solve करेंगे। तो basically आपको चारों चीजें करना, analyze करेंगे हम, create करेंगे linear equation और inequality, fluently solve करना सीखेंगे and system of equations को solve करेंगे। so ये चारों चीजें हम majorly ये चीजें करने वाले हैं। so हम सबसे पहले जो हमारा topic है which is linear equation in one variable, तो वो शुरू करते हैं। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी कह सकते हो। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको समझना होगा व्हाट इज कांस्टेंट और व्हाट इज वेरिएबल्स, ओके? सो वेरिएबल क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। सो वेरिएबल एक लैटिन वर्ड है, वेरिएबल इज, जिसका मतलब था चेंजेबल। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि मेरे पास बैग के अंदर कुछ एप्पल्स हैं और मैं कहता हूं मेरे पास x एप्पल्स है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने एप्पल्स है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि x एप्पल्स है, वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लाइक एनी नंबर, ओके? आई एम जस्ट लाइक प्रेडिक्टिंग कि कितना हो सकता है x एप्पल्स है। सो मैं 5 बोल सकता हूँ, 6 कुछ भी हो सकता है। सो जो चेंजेबल नंबर्स हैं x, y, z, जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है बट हम अज्यूम कर रहे हैं, सो चेंजेबल, तो उनको वेरिएबल कहा जाता है। एंड कॉन्स्टेंट्स आर सिंपल, 7, 8 एग्जैक्ट वैल्यू, 7, 8, 9.2 एग्जैक्ट सेम वैल्यूज, ओके? देन वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए कॉन्स्टेंट, वी एक्स वेरिएबल, देन कॉन्स्टेंट और इज इक्वल टू जीरो, इट्स अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके? और आपको याद रखना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हमेशा एक ही वेरिएबल होगा, एक्स है तो सिर्फ एक्स ही होगा, एक्स वाई दो नहीं होंगे, ओके? ओनली वन वेरिएबल, देन हाईएस्ट पावर 1 होगी, यानी एक्स के ऊपर जो पावर होगी वो हमेशा 1 होगी, एक्स के ऊपर 2 या फिर 3 नहीं हो सकता है, बिकॉज इट विल बी लाइक कन्वर्टेड इंटू क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन देन, ओके? देन कुछ टर्म्स, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मुझे पता है कि बहुत ही बेसिक हैं, बट मैं चाहता हूं कि बिल्कुल जीरो से आपकी सारी चीजें कवर की जाएं। सो टर्म्स, सो टर्म्स क्या होती हैं आपको समझना होगा। सो टर्म्स को आपको याद रखना है सिंगल से, ओके? सिंगल सिंगल। सो फॉर एग्जांपल वेरिएबल, सो वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, जेड, एनीथिंग, देन कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट 5, 6, 7 ये कॉन्स्टेंट्स हो गए, देन वेरिएबल इंटू वेरिएबल, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स इंटू एक्स भी कर सकते हैं, y x y कर सकते हैं, या फिर z इंटू एक्स, तो हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल से कर सकते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्म्स हो जाएंगे, x स्क्वायर भी कह सकते हो, ये टर्म्स हैं सिंगल, ठीक है? फिर वेरिएबल इंटू कॉन्स्टेंट, तो 3x 4y ये हमारे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट हैं, तो ये जो टर्म्स होती हैं सिंपल x हो गया, 3y हो गया, या फिर z हो गया, तो ये हमारे टर्म्स हैं, ठीक है? सिंपल टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, टर्म्स का मतलब समझ में आ गया आपको। नाउ टर्म्स के बाद आता है एक्सप्रेशंस, तो अगर हम उन टर्म्स को प्लस या फिर माइनस करते हैं, ठीक है, हम उन टर्म्स को अगर प्लस माइनस करते हैं तो वो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। एक्सप्रेशंस दो टाइप के होते हैं,
First is numerical expressions and second is algebraic expressions. Numerical expressions के अंदर लाइक हम क्या करते हैं, सिंपल नंबर्स को प्लस करते हैं, लाइक 4 + 3, 7 + 9, तो वी आर जस्ट लाइक एडिंग और प्लस कर रहे हैं हम सेम प्लस कॉन्स्टेंट्स को. देन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जहाँ पे हम कॉन्स्टेंट प्लस वेरिएबल करते हैं. लाइक हम क्या कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है जैसे x प्लस 7, सो यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को प्लस कर रहे हैं, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो जाएंगे. तो एक्सप्रेशंस का मतलब समझ में आ गया, प्लस माइनस ऑफ दोज थिंग्स और टर्म्स आर सिंपल. ओके टर्म्स. ओके नाउ थर्ड कंसेप्ट विच इज इक्वेशन. सो इक्वेशन क्या होती है? ओके बेसिकली तो इक्वेशन आपको बस समझना होगा, टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, अगर आपको इक्वल साइन दिखता है. ओके और ये एक एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल, सो सम ऑफ अ नंबर एंड 8 इक्वल्स 13. तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन, तो इसके अंदर आपको एक वेरिएबल मिलेगा, देन ये जो बीच में प्लस का साइन है इट्स ऑपरेटर ऑपरेटर, देन 8 हमारा कॉन्स्टेंट है और 13 भी हमारा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू है. तो सिर्फ इस इज इक्वल्स टू की वजह से हम कहेंगे ये इक्वेशन है, बिकॉज लाइक टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर इक्वल, अगर इक्वल हैं एक्सप्रेशंस तो उसको आप इक्वेशन कह सकते हो, कहते हैं. ओके बेसिक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था. देन सॉल्यूशंस, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को हम सॉल्व कैसे करेंगे? सो उसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो ये क्या है? सो आपको हमेशा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अलग अलग रखना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली वाले कभी भी आपके फ्रेंड्स के साथ ना हो, और लाइक न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले जब हमारे ज़माने में, इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं, हमारे ज़माने में तो फैमिली और फ्रेंड्स थे, जो फैमिली वाले फ्रेंड्स कनेक्टेड थे या इट्स ओके, बट नाउ यू हैव टू बैलेंस फैमिली एंड फ्रेंड्स, बिकॉज अगर फैमिली वालों से फ्रेंड्स मिले या फिर फ्रेंड्स से फैमिली मिले तो दिक्कत होने की चांसेस ज़्यादा हैं. ओके सो कैसे सॉल्व करना है हमें? सो सिंपली अगर आप बुक्स के अंदर देखोगे एसईटी की, तो आपको दो यहाँ पे मेथड्स मिलते हैं. पहला होता है इनवर्स ऑपरेशंस, दूसरा होता है ट्रांसपोज. सो अकॉर्डिंग टू मी लाइक या दोनों डिफरेंट हैं, बट ये सब धोखा है. कहने का मतलब क्या है मेरा, धोखा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये देखने में लगते हैं कि अलग मेथड है, बट इन रियलिटी दे आर सेम. सो इनवर्स ऑपरेशन और ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी जिंदगी में दो हैं फ्रेंड्स, ओके दो फ्रेंड्स हैं. अगर आप इसको चॉकलेट देते हो, इसको चॉकलेट देते हो, इसको चॉकलेट देते हो, इसको नहीं देते हो, तो ये नाराज हो जाएगी. अगर आप इसको चॉकलेट नहीं देते, इसको देते हो, तो ये नाराज हो जाएगी. तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा. तो लाइक इनवर्स ऑपरेशंस क्या कहता है, बैलेंस करना है. तो इसको चॉकलेट दी है, तो आपने इसको भी देनी होगी. सो एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमारे पास है 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 है. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक हमारा एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है. अब हम अगर यहाँ पे प्लस 5 करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी प्लस 5 करना होगा. ओके आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ इसको आपने 5 दे दिए और इसको आपने कुछ नहीं दिया, आपको दोनों साइड प्लस 5 करना होगा. ओके ये है सिंपल इनवर्स ऑपरेशंस मेथड, जिसमें वो कहते हैं दोनों साइड प्लस करो. बट इन ट्रांसपोज मेथड, इन ट्रांसपोज ये कहते हैं कि आप ट्रांसपोज कर दो, आप क्या करो यहाँ से इसको यहाँ भेज दो, ठीक है. सो 3x इज इक्वल्स टू 2 - 5 यहाँ जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. तो ये ट्रांसपोज मेथड है, तो दोनों साइड प्लस करना और ट्रांसपोज करना, ये दो मेथड्स हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी ट्रांसपोज और इनवर्स ऑपरेशंस हैं जो, तो सॉल्व करते समय मुझे नहीं लगता है कि डिफरेंस आपको लगेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग ट्रांसपोज मेथड. ओके हम ट्रांसपोज मेथड ही यूज करेंगे. ओके तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं कह रहा था ये धोखा है, बिकॉज दे लुक्स लाइक डिफरेंट कंसेप्ट और डिफरेंट मेथड, बट दे आर सेम. ओके नाउ कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ओके वर्ल्ड्स easiest question. Okay, so easiest question क्यों कह रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करना है हमें. If x 5x is equals to 9, what is the value of x? So 5x is equals to 9, हमें x की value चाहिए, तो हम use करेंगे transpose method. और यहाँ पे हमें दिख रहा है ये लिखा हुआ है 5 × x, तो अगर यहाँ पे 5 के साथ multiply में है x, तो ये उस side जाएगा, border के उस side, is equals to के उस side, तो इसका sign change हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे x ऐसे रहेगा, इज इक्वल्स टू 9 / 5,
तो ये हमारी वैल्यू आ गई x की. ओके, सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आप लोग खुद भी कर सकते हो. जस्ट जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, जस्ट पॉज दिस लेक्चर एंड जस्ट ट्राई टू डू बाय योर ओन. ओके, खुद से करने की कोशिश करिए. ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं हम ट्रांसपोज मेथड से. सो x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 21 x इज इक्वल्स टू 27. सुपर इजी. ओके, नाउ थर्ड वाला देखते हैं. ओके, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. ओके, नाउ अगेन ट्रांसपोज मेथड. तो सबसे पहले हम इसको यहां भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3. ओके, आई जस्ट ट्रांसपोज दैट 3 फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. ओके, मैंने इसको यहां भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2. ओके, नाउ हमें पता है x के साथ 2 डिवाइड में है, तो ये उस साइड जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, सो विच इज 4. सो 4 इसका आंसर है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, खुद से करिए आप लोग ये क्वेश्चन. ओके, मैं सॉल्व कर देता हूं. x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3. मैंने इसको यहां पे ट्रांसपोज कर दिया उस साइड. ओके, तो यहां पे ये प्लस में था, उस साइड जाएगा तो माइनस में. देन हम फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता चुका हूं लेक्चर 2 के अंदर आई थिंक, एंड कैसे करते हैं. सो 15 3 माइनस 5. ओके, यहां पे x बाय 2 सेम ही रहेगा. देन हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाय 15, और हमें पता है यहां पर है x बाय 2 हमारा इज इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 15. अब यहां पे माइनस 2 क्यों आया, बिकॉज हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है. ठीक है, तो यहां कुछ नहीं था, प्लस था, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर. सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि यहां पे ये माइनस 2 हो जाएगा. देन सिंपल x के साथ 2 डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2. तो द फाइनल आंसर वुड बी माइनस 4 बाय 15. ओके, और आई थिंक लाइक आप लोग देख लीजिएगा, इट्स जस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ हम करते हैं कुछ थोड़ा सा तड़कता फड़कता क्वेश्चन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं. सो जल्दी से पॉज करिए और इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए. तो जैसा कि मैंने बताया था, क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना होता नहीं है. आपको दिख रहा होगा ओ माय गॉड, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है. तो आप देख के इसको लगेगा कि ओके थोड़ा सा हार्ड है, बट इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, आपको खाली लास्ट लाइन पढ़ने की कोशिश करना है. व्हाट इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ वी टी एंड एम. तो बस ये कह रहा है, अभी ये जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी का है, वी के फॉर्म में है. ठीक है, वी के फॉर्म में हमें इसको सिंपल किसके एल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी हमें वी की जगह एल लेके आना है और एल की जगह यहाँ पे एल लेके आना है और सारी चीजें इस साइड होनी चाहिए. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कर लेते हैं जल्दी से. पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं टी एम एल. तो आपको पता होगा अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है. सो अगर हम दोनों साइड बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू t m l, हमें ये मिलेगा. देन इसको हम क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं t अपॉन m l, l को हम ऊपर ले जा सकते हैं. नाउ वी कैन राइट इट लाइक हमें l यहीं रखना चाहिए और बाकी चीजें हम वहां भेज देते हैं. सो विच इज v स्क्वायर, और ये जाएगा डिवाइड में t, और ये जाएगा मल्टीप्लाई में. वाई, बिकॉज एम डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. टी टी यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा. तो ये आपका हो गया एल का. अब यहाँ पे इनमें से कौन सा है, सो विच इज बी, सो वी इज करेक्ट आंसर. ओके, सो सिंपल आपको ट्रांसपोज मेथड यूज करके इसको सॉल्व करना था. ओके ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, पॉज करिए इस वीडियो को, मैं सॉल्व कर देता हूं. ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है 7 अंडर रूट x माइनस 24 इज इक्वल टू 11. सो सबसे पहले हम ट्रांसपोज करेंगे. सो हम इस 24 को इस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 7 रूट x इज इक्वल टू 11 11
प्लस 24 तो ये हो जाएगा आपका 35, देन रूट एक्स इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 5, 7 डिवाइडेड बाय 7, सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो ये डिवाइड में कर दिया, देन हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5। सो क्या सी आंसर है? नहीं, इन्होंने आपसे आंसर वैल्यू पूछी है एक्स की और यहाँ पर ये वैल्यू आई अभी रूट एक्स की, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो रूट के ऊपर भी स्क्वायर यहाँ पे भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 25। ओके गॉट इट? अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट करिए, तो आंसर वुड बी डी। ओके नाउ ये वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, आई लव दैट क्वेश्चन। ओके मैं सॉल्व करता हूँ। ओके सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 18 डिवाइडेड बाय आर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 बाय आर, सो हमें वैल्यू बताना है आर बाय 3 की, सो ऐसा नहीं है कि उल्टा कर दो, इट्स नॉट द लाइक पॉसिबल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं करना है लाइक आर प्लस 10 डिवाइडेड बाय, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल ट्रांसपोज मेथड का यूज करना है और पहले आर की वैल्यू फाइंड करना है। ओके सो आर को आप एक्स मान लो, ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रांसपोज करेंगे, तो हम एक काम करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, सो क्रॉस मल्टीप्लाई मींस इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा 18 आर इज इक्वल्स टू 3 आर प्लस 10, ये हो जाएगा, हमने खाली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देन ये तो 18 आर ही रहेगा, ये हो जाएगा 3 आर प्लस 30, देन उसके बाद हम सिंपल ट्रांसपोज मेथड का यूज करते हैं, इस फैमिली ये फैमिली समझ लो, इसको एक साइड भेजते हैं, सो ये हो जाएगा 18 आर माइनस 3 आर इज इक्वल्स टू 30, तो ये हो जाएगा हमारा 15 आर इज इक्वल्स टू 30, सो अब इस 15 को हम इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 15 यानी 2, सो आर की वैल्यू आ गई हमारी 2, बट क्या सी आंसर है? नहीं, अगेन नहीं, क्योंकि हमें बताना है आर बाय 3 बताना है, सो आर बाय 3 मीन्स 2 बाय 3, ओके हमारा आर 2 आया, सो 2 बाय 3 विच इज फर्स्ट वन ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ओके ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, बट नो बस आपको ट्रांसपोज करना है, बेसिक मैथ का यूज करना है, सो टी प्लस 4, ठीक है पॉज करके खुद करना मत भूलिएगा, और या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इट्स मैंडेटरी टू हैव पेन और कॉपी, ओके बिना पेन और कॉपी के आप मेरे लेक्चर्स मत देखिए, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस एंड नोट डाउन एवरीथिंग, ओके एवरीथिंग ऑल कंसेप्ट्स नोट्स, ओके सो इज इक्वल्स टू टी माइनस टू, ओके इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सो हम क्या करते हैं पहले हम रूट हटाते हैं बिकॉज रूट के अंदर सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, या तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, सो इट वुड बी टी प्लस 4 और ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, ओके एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ओके ये सिंपल, इसको और तरीके से भी बोल सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर सिंपल ऐसे भी, तो मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ओके आई एम अज्यूमिंग, सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, माइनस 4t क्यों, क्योंकि हमने क्या करा है 2ab करा है, 2ab यानी 2 इंटू टी इंटू बी क्या है हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा 4t हो जाएगा, इसलिए अब इसको सिंपल ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व करते हैं, सो सबसे पहले टी वाली चीज़ों को साइड भेज देते हैं अगर हम, या फिर इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 4t और देन ये भी सेट आ गया माइनस टी और बस या इज इक्वल्स टू किस साइड क्या बचा है हमारा 4 बचा है, उसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं हम, इस साइड 0 बच गया, इधर ले आते हैं हम इस 4 को भी, ओके तो हम सारी चीज़ें इस साइड लेके आ गए, क्यों लेके आया मैं भी बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कट रहा है बहुत सारी चीज़ें कट रही थी, फर्स्ट इज ये वाले टर्म कट जाएंगे, ठीक है प्लस माइनस माइनस, देन इनको अगर हम माइनस करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस
प्लस होता है और साइन ऑफ माइनस होता है, सो टी स्क्वायर माइनस 5t हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई सिंपल, टी स्क्वायर माइनस 5t इज इक्वल्स टू 0। अगर हम कॉमन ले लेते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर टी की दो वैल्यूज हैं, टी इज इक्वल्स टू 0 है एक तो, और टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, मीन्स टी इज इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हमारी 0 एंड 5, तो आंसर वुड बी ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे और भी चीजें हैं, आपको डाउट हो सकता है कि रूट के अंदर है तो जीरो नहीं होना चाहिए अगर जीरो रखते हैं तो लाइक, बट इन रियलिटी द आंसर इज ए। ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जस्ट कमेंट। ओके, अब करते हैं हम फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ओके, सो लाइक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, हमसे वैल्यू पूछी गई है 4x माइनस 6 की। सो कैसे सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 है हमारे पास। ठीक है, हमें यहाँ पर सिंपली माइनस 6 लेके आना है, तो हम क्या करेंगे 4x और हम यहाँ पे प्लस 2 यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस 8 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर। और हमें एक चीज़ याद रखना है, आपने यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे भी आपको माइनस 8 करना होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे भी किया तो यहाँ तो आ गया और यहाँ पे हमारा आ गया माइनस 4, तो आंसर वुड बी माइनस 4 विच इज बी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम करते हैं एक और क्वेश्चन, मुझे लग रहा है ज़्यादा ही प्रैक्टिस हो रही है ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा हूँ मैं। ओके, सो ये सॉल्व करते हैं हम। सो रूट 5 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओ माय गॉड, 1 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। सो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है, दैट्स इट। सो 5x माइनस 2, ओके, सो 5 इज द आंसर। मुझे नहीं लगता है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सुपर इजी। नाउ थोड़े से क्वेश्चंस आ गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस। सो जस्ट रिमेंबर दैट इन एसएटी, डिजिटल एसएटी, ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके, एसएटी के अंदर ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। सो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इनकी प्रैक्टिस ज्यादा करिए, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स को ज्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसे क्वेश्चंस में ही आती है। ओके, आई नो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे इफ यू लाइक जस्ट इक्वेशन दी हुई हो आपके लिए, तो इक्वेशन देख के आप इजीली कर सकते हो, बट वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर आई नो यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। ओके, सो द फर्स्ट इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो 80% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया समझ लो। ठीक है, ओके, सो एंड्रयू वर्क्स एट अ ट्रेवल एजेंसी, he gets paid $120 for a day work plus a bonus. okay, तो उसको मिल रहा है $120, ठीक है, done, then plus उसको मिल रहा है plus bonus, $25 का bonus मिल रहा है for each cruise he books, जितने भी cruise book होते हैं हर एक cruise के ऊपर उसको $25 मिलते हैं। which of the following equations represents the relationship between the total Andrew earns in a day, d, ठीक है, तो पूरे दिन भर में वो कितना यर्न करता है, वो है डी हमारा। ठीक है, कितना दिन भर में यर्न करेगा, अर्न करेगा, एंड द नंबर ऑफ क्रूज ही बुक्स सी, तो जितनी भी बुक्स बुक होती हैं तो उसको सी मानेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है डी इज द आंसर, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल सी है, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जितनी भी क्रूज बुक हुई है तो उतने $25 मिलेंगे उनको, एक क्रूज पे उसको 25 मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे फॉर अज्यूम अगर 7 होते तो बस मल्टीप्लाई कर देते हम, तो 7 तो सी लिख देंगे, तो क्या होगा हमारा, डी इज इक्वल्स टू 120 प्लस 25 सी, तो जो कि हमारा मैच कर रहा है, सी वाले से मैच कर रहा है, बस इसको इस साइड लिख दो तुम, तो सी इज द आंसर। ओके, सही है क्या मेरा, सही है, सही है, सही है, सही है। ओके, नाउ ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग सकता है ये। ओके, सो वीरा इज ऑन हर स्कूल्स ट्रैक एंड फील्ड टीम इन अ प्रैक्टिस लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन अगेंस्ट हर टीममेट्स, शी गेट्स 5 points फॉर लैंडिंग ओवर द नियरर लाइन एंड 10 points फॉर द लैंडिंग ओवर द मोर डिस्टेंट लाइन,
she gets a total 7 jumps and lands 7 times over the and the rest of the time of the over of the narrator. The following equation represents the relationship between Veera's total score y and the number of times on the landing. Okay, so मैं explain करता हूँ easy words के अंदर. So simple, Veera है कोई, वो प्रैक्टिस कर रही है. ओके, सो टोटल जो उसके जंप्स हैं वो 7 है, वो 7 बार जंप की है. ठीक है, और 5 पॉइंट्स मिलते हैं उसको पास में जंप करने पे. लाइक अगर वो पास में जंप करती है तो लाइन है, एक लाइन की अगर इस साइड करती है पीछे साइड तो उसको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, और अगर उस साइड करती है तो उसको मिलेंगे 10 पॉइंट्स. ओके, 10 पॉइंट्स, और टोटल उसने 7 बार जंप किया है. सो और यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कहा है एंड लैंड्स एक्स टाइम्स ओवर द मोर डिस्टेंट लाइन. ओके, तो इसने कहा है कि एक्स टाइम्स वो जंप करती है डिस्टेंट पे. ओके, सो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंट जंप्स हो जाएंगी, डिस्टेंट जंप्स. तो हम इसको कैसे, क्या कर सकते हैं, क्या हम पॉसिबल, हमें बताना है रिलेशन, बताना है वीरास टोटल स्कोर. तो टोटल स्कोर उसका जैसे वाई है, टोटल स्कोर हम कैसे बताएंगे. ठीक है, प्रैक्टिकल होके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, टोटल स्कोर कैसे बताएंगे. तो उसने 7 जंप्स किए हैं. ठीक है, सो जो बाहर दूर वाला जंप है उसको हम एक्स मार रहे हैं, और जो पास वाला है वो क्या होगा, 7 माइनस एक्स. ओके, एक हो जाएगा हमारा एक्स डिस्टिंक्ट वाला, और पास वाला क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स. अब हमें पता है ये डिस्टिंक्ट एक्स टाइम्स जंप किए और 7 माइनस टाइम्स वो पास में जंप किए. सो टोटल क्या होगा, पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं उसको टोटल. तो अगर हम देखा जाए तो 10 इंटू एक्स. ओके, यानी एक्स टाइम ये जो दूर डिस्टेंट पे जंप कर रही है तो 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस एक्स. अग्री करते हो, ये इक्वेशन बनेगी. ठीक है, सिंपल, 10 एक्स है जो मतलब दूर जितनी बार वो दौड़ेगी जंप करेगी तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगी, प्लस 5 इंटू जितने टाइम वो पास में जंप करेगी, यानी विच इज कितने टाइम से वो 7 माइनस एक्स. अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं. वाई इज इक्वल्स टू 10 एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 5 एक्स. ओके, तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल्स टू 5 एक्स प्लस 35. तो ये आपका सॉल्यूशन है. ओके, तो ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज्यादा जरूरत है. तो आंसर आपका होगा बी. ओके, गॉट इट, मुझे लगता है कि आ गया समझ में आपको. ठीक है, इसके अलावा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. सो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये. ओके, तो एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, क्लियरली ग्राफ दिख रहा है. अ हार्डवेयर स्टोर सेल्स लाइट बल्ब्स इन अ डिफरेंट क्वांटिटीज. द ग्राफ शोज द कॉस्ट ऑफ वेरियस क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द सिंगल लाइट बल्ब. ओके, सो ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ लाइट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स शो कर रहा है और ऊपर कॉस्ट शो कर रहा है. और यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें पता है कब कितना सेल हुआ है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आपको बस लिखना है. ओके, सो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे 5 होगा. ठीक है, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 5 होगा, तो हमें क्लियरली दिख रहा है. और ये पॉइंट वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में ये 9 है. ओके, क्लियरली दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो 5 बल्ब्स वो बेचता है 9 में. ओके, 9 में, देन यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, तो ये कितना होगा, 10 एक्स में 10 है और वाई में आपका 15 है, ये 16 17 18. ओके, 10 में 18. ओके, सिंपल है, तो आप बस डिवाइड कर दो. ओके, यहाँ पे 18 बाय 10 और 9 बाय 5, खाली आप डिवाइड कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 1.8 आएगा. यहाँ पे भी आएगा आपका 1.8 आएगा. ठीक है, सो आंसर इज कहाँ गया, या 1.8. ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मेरा मेन गोल था आज क्वेश्चन सॉल्व करवाना, और सिंपल किस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू रिव्यू. ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय.